लेकिन घर में ना पानी का होना बहुत जरूरी है। खाने को चूड़ा बेकर हम लोग नहीं नहीं मत मंगा। अरे मंगाने दे रहा है चूड़ा वेफर, तेरे को क्या कुछ भी नहीं। सर जी कोई चूड़ा वेफर क्यों नहीं आने दिया, समझ में आया अभी? आपने ना सब कर लेंगे, मैं टेंशन बिल्कुल मत ले, तो खाली गेहूं लेकर कुछ भी टेंशन मत ले। मैंने सही में कुछ भी टेंशन नहीं ली। नहीं अच्छा कि ना ली देख, मैंने सही में कुछ टेंशन नहीं ली। क्यों आप मेरे को बता दीजिए, मैं बता दूंगी। ताकि बाजू पहली बात तो ना मैम, मेरे को बिना टेंशन लिए के भी बहुत दिन का टेंशन था, बहुत। मैं बिजी थी, आप लोग ने देखे ना ब्लॉग में, मैं अभी तो खाना खाई, जो अल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि अम्मी ने सामने से बोले कि तू टेंशन फ्री हो जा। मैं टेंशन फल है ना, हाँ कुछ फल है ना, मतलब नहीं क्या दो तीन एक्स्ट्रा नहीं दे रहा था, एक फल सिंगल नहीं दे रहा था, मतलब चल ला भाई दो तीन दे। शेरू और मोर ने जाके लाए सब बच्चे के लिए, ये नहीं क्या बांधने का। हाँ मैंने देखी, मेरे देखी शेरू, मेरे देखी कभी नहीं। हाँ ये देखी हुए, नूर को बहुत पसंद आया ये जूता। ये जूता और अच्छा, ये अभी तो पिला सकते हैं नहीं, ये भी मुझे पता है, ये थोड़ा बड़ा होने के बाद पहने का, ऐसे कुछ डायलॉग मारे मैंने देखा मैंने देखा। ये सुपारी पान पे बच की काढ़ी लाएंगे, मैंने जो बोली थी बच की काढ़ी। और ये जायफल तेरे को घस के पिलाने के लिए, बच्चे को बादाम डाल के घस के गुट्टी, बस वो काले धागे के साथ बच की काढ़ी का छोटा सा टुकड़ा, हमें ज्यादा बड़ा नहीं, वो गले में समझ गई, इतना सा टुकड़ा बांधना, नहीं तो फिर चुप। मार्केट में मिलता भी नहीं है, और जिसके पास रहता है वो देता भी नहीं है। इससे पॉइजन रहता है, ये बच्चे को टच नहीं होना चाहिए, बहुत सारा रहता है। इससे हाथ में देगा नहीं तो नॉर्मल लोग को देता ही नहीं, तो फिर ये कैसे अपन यूज करेंगे? प्लास्टिक में ही रखती हूँ इसको, तू ना कपड़े में लपट के इसके सराहने के लिए, नजर वजर के लिए बहुत अच्छी है। हम भी एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, सुन ले। ये चीज ऐसी है ना, जो टच होगी ना बच्चे को, टच तो भी बच्चे को छाला आ जाएगा, क्योंकि बच्चे ने उसके मुंह में डाल दिया, मुंह में छाला आ जाएगा, और खतरनाक छाला आता है। तो इसके लिए उसको ओपन ही नहीं करता, प्लास्टिक ना वैसे रह जाएगा, हो सकता है ना उसको रुमाल में बांध दे। ये चीज इतनी मतलब है ना डेंजर, मतलब कैसी डेंजर, जिससे इन्फेक्टेड जो पार्टिकल्स होते हैं ना, जैसे कीड़े मकोड़े खटमाल वटमाल, उनको इससे डर हो जाता है। बच्चे से दूर प्रोटेक्टेड कवर है ना, तो बच्चे के बिस्तर में डाल देना तो कोई इंसेक्ट उसके नजदीक नहीं आएगा। अच्छा, तो सीधा जो बिस्तर पे वो सो रहा है उसके अंदर कहीं पे डाल के सील देने का, ये चीज़ रखते हैं, लेकिन इसका ख्याल भी वैसा। हाँ समझ गए, सबको देता भी नहीं। अच्छा समझ गए। और यू खाली कीड़े मकोड़े के लिए दूर रहने के, अच्छा तुम लोग थोड़े ब्लैक ब्लैक दिख रहे वहाँ बैठे करके। हाँ सीखे क्या बोले थे ना बाबू? अभी मैंने एक चीज सीखी मेरी समरिन के लिए। अच्छा बच्चे हो, हाँ हर किसी को, क्योंकि मुझे भी इसकी आइडिया नहीं थी, मैं तो फर्स्ट टाइम देखी। तो कपड़े में लेके बांध देता तू छाला देना। अच्छा ये बच की काढ़ी का मालूम है? बच की काढ़ी सुनी हुई लेकिन उसके पहले। ये बच की काढ़ी, ये बच्चे जो बोलते हैं ना डर डर के उठते हैं, नजर इधर, ये भी मुझे नहीं मालूम था। ये ना जिसके घर में मैं रेंट पे थी ना उस्मा के टाइम पे, आबिदा खाला, उन्होंने बताए थे कि ये बेटा ये बांध देना बच्ची को, तो मैंने उस्मा को बांध दी थी, तो करके मैंने फिर से मंगा ली। बहुत सारे लोग सही में ये सब जड़ी बूटियों के हाँ नहीं, गद्दे पे गोदड़ी पे बिस्तर पे जो बच्चे मुड़ते ना, ये है मेरे पास, मैंने मंगाई यहाँ सेम कलर रबर का शीट। अच्छा चादर डालना। हाँ ये देख टोकरी। हाँ नूर तेरे को चाहिए ना ये? आपा नहीं मारेगी रे, टोकरी चाहिए तो ले लेना। बोलती आपा मारेंगे मुझे। कैसा बाबू कैसा? ये टोकरी चाहिए ना तुझे? आई आई क्यू क्यू मारेगा? हाँ ले लेना लेना। वो भाई चेहरा लोगों ने आइसक्रीम गिराई मेरे पे, पानी गिर रहा है।
अल्लाह। हाँ क्या बोला, ये तकिया भी लेके आया है राई वाला। हाँ ये शेरू ने लाया ना, ये सारी चीजें शेरू और नूर ने लेकर आए हैं। ये राई भरी हुआ इसमें बच्चे के लिए सलाने के नीचे। हाँ समझी मैं, ये बच्चे का सर चपटा नहीं होता, वो एक जगह ही रहता सर, वो इसके लिए, ये सवा महीने के लिए बिस्तर काम आता है बच्चे के लिए। हाँ ठीक है। और ये भाई शेरू ने अपने हिसाब से, नूर ने टोपियाँ लिए है बच्चे के लिए, और ये लिए है, बोले बच्चे को जो कलर अच्छा लगेगा अम्मी वो पहना देना। यहाँ पे ना सब उल्टा हो रहा है पता है, पहले ना रसम होती है फिर बाद में गिफ्ट दिखते हैं, लेकिन यहाँ पे ना ये रसम का सामान भी अम्मी ने लेके आया ना, तो वो एक साथ खुलाना तो सब हम लोग ना रसम करके गिफ्ट निकाल सकते थे, लेकिन क्या है वही थैली में था सब, हमको सही है पहले सही है सही है बाद में। ये बुक और पेन ताकि ये हमारे बच्चे की ना जिंदगी अच्छी जाए, तालीम याफ्ता बने मेरा बच्चा पढ़ने लिखने में और ऊपर से दीन में भी और दुनिया में। अल्लाह उसको हमेशा हाँ, बोलते ना हर चीज में क्या बोलते हैं उसको, दुआ है हमारी, दुआ है कि हर चीज में वो परफेक्ट रहे दुनिया में भी, और उसका जहन ना अच्छा रहे पढ़ाई लिखने में। आमीन 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 में ये पेन और बुक भी रखे। आमीन आमीन आमीन। अरे एक बेचने का या जो भी अंदर लेके जाओ, जा बेटा अंदर जा, चलो नूर चल आ जा ले ले बच्चे को चल। क्या उसमें, चलो मेरा काम हो गया, अब आगे नूर गोद में लेगी और करेंगी बच्चे का काजल भी और उसका जो भी है नाड़ा बांधने का जो भी करना है, बाद में हम उसको सब दुआएं देंगे और हरी भाजी और ये सब। इसकी कहानी ये दुआ करती तो शेर बोला था आमीन, तो वो बहुत सारी दुआ करी तो शेर और रियाज दोनों बोल रहे आमीन आमीन, तो रोने लगी तुम लोग सता रहे, तो बोला बेटा मैं सतारा नहीं, जो तुम अलंग पढ़ते ना और जो तुम दुआ करते ना जैसे आमीन बोलते, बोले नहीं तुम मेरे को चिढ़ा दिए, बोले अच्छा जाने दे भैया नहीं चिढ़ाया, तेरे आने वाले पापा का नाम अपन आमीन रखते हैं बस, तो पकड़ ली अच्छा मेरे आने वाले ना पापा का नाम आमीन रखने वाले, वो गई भी नहीं तो हॉस्पिटल में तो आमीन आया, तो तुम लोग पहले क्यों नहीं बोले मुझे, तो सही में पूरा आमीन ही रखते थे ना, वो आमीन 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 करके दुआ करी थी, मुझे ऐसा लगा कि तुम लोग ने सजेशन में तीन नाम नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं था, दुआ मांग रही थी ना बहुत बड़ी बड़ी दुआ मांग रही थी, तो हम लोग पीछे से आमीन कर रहे थे रोजा रख के, तो मुझे लगा कि सजेशन में आमीन भी है, नहीं नहीं हम लोग उसके लिए बोल रहे थे भाई तेरा जाना, अच्छा अच्छा जाना, हम लोग तेरा पापा आएगा ना उसको आमीन बुलाएंगे, हां आमीन आमीन कर दीजिए, हम लोग की तबीयत भी उसमें से पूछिए उसने बोली पहले तबीयत, अब्बा ने जैसा बताया वैसा नाच, दूसरे दिन बोलती भाई यूसुफ अब्बा ने जैसा बताया वैसा नाच, टांग हाथ ऊपर कर, दो दो नाम रखते थोड़े रखे हैं, आमीन भी पहले वो भी रख दो, तब प्यार से उसको वाइफ बुलाई, हेलो यूसुफ उज़मा, तो मैं चार नाम बता रही थी, इसके अब्बा ने चार नाम सजेस्ट किए, मेरे तो नाम है तो वो खास से नाम मैंने सोची नहीं, अब इनको है हिंदू का आजम है, तो वही ठीक है आजम आजम और उज़मा मिलता जुलता नाम है ना, चले जाओ वहां पे, तुम लोग इधर चलो बेटा आओ इधर जय सिद जा खाला के पास जा, खाला के पास जा, ये स्लीपिंग बेड है, चलो तुम ना हॉल में डालते चलो, ये ना हमने लाया छोटा है वो सवा महीने तक वापस बेड पे रहेगा ना,
और ये थोड़ा सा दो महीने के बाद भी काम आ सकता है, माशाल्लाह बड़ा है। और ये खेलने का भी अम्मी सब चगा रहेगा ना, हमें अभी एक रूम तोड़ी है, हम दोनों तरफ से टाल के रखेंगे। हाँ ये बात भी है, पैर मारेंगे ना तो लाइट जलेगी, मतलब लाइट ज्यादा नहीं दिखेगी लेकिन स्लीपिंग बेड है। तुम्हारे बेटे की वो ये सोचेंगे एक बच्चे के पास ही जा रहा है तो दूसरे बच्चे के पास भी जाना चाहिए, क्योंकि अपन जुड़वा के जैसे रखने वाले हैं। दिल बहुत बड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चे नाती नवासों को भी अल्लाह ऐसे ही खुश रखे जैसा तुम दूसरे बच्चों के बारे में। आपके भाई ना कुछ जरूरी काम से गए हैं, एक जरूरी काम से गए हैं, वो आ जाएंगे ना तो ये हम करेंगे, जबकि उनका इसमें कोई रोल नहीं है लेकिन वो चीज जो लाने का उसका रोल है। तो ये है नारियल, हम ये नारियल भी इसमें रख देंगे थाल में। और ये है मिस्सी, देखो इतनी सी मिस्सी मंगाए थे हमने, इतनी सारी मिस्सी आई है हमने, 100 ग्राम लाया अपने, जितना पैसा दिया ना उतने में इतनी सारी थी, इतना सारा ना हम लोग को फ्री में दिया। इतनी मिस्सी का पैसा देना पुणे, इतना सारा एक्स्ट्रा फ्री में दिया। नहीं लेकिन ना ये ना पूरी में आती इतनी सी, और इतनी सी मिस्सी इतनी कमाल कर जाती है ना, 10-15 औरतों को पुर जाती है। अब ये तो मेरे को लग रहा ना आजम के पूरे शादी तक रहेगी। शादी तक अभी थोड़ा 5 मिनट रुक जाते हैं, अजान हो रही है। चलो ठीक है, अजान के बाद बिस्मिल्लाह करके मैं जला लूँ ये। चिराग रोशन हुआ है, रोशन ये लो तुम्हारा, ये लाइट है, हट जा बेटा। अभी जो ये चिराग का जो है ना इसी से हमको निकालना है गाजर, ठीक है। चम्मच ये लगेगा मेरे पापा को यानी मेरे आजम को, पहला काजल भाई तो पहले दिन से काजल दूसरे होते ना उनको, मैं नहीं अच्छा हुआ नहीं अच्छी जाते, आज लगेगा सच्चा ना सच्ची वाला काजल। क्या मेरा तो सबसे फेवरेट भाई तो इसी की रहेगा ना, तबरेज आ गया तो क्या हो गया, और वो भाई आ गया तो क्या हो गया, कोई भी भाई आने दो, मेरा तो मेरा भाई तो फिर भी यूसुफ ही रहेगा ना। ऐसा बोलते ये बोलते ये सबसे छोटा है तो तबरेज को भी भाई बोल के ही बोलेगा ना हॉस्पिटल में, दोस्त के जैसे नहीं जाओ इसमें बोलते ना हम लोग, दो साल बढ़िया। मुझे क्या मुझे पता है नहीं, उसमें उसको ना रे रे मत करो, तुम उसको ना तुम बोल के बात करो, तो बोलती तुम क्यों बोलो, फिर डायरेक्ट आप बोलूंगी ना, खुद आप बोली और मैंने बोली ना कितना चिल्ला रहे रे, बोलते हमें रे बोल के मत बोलो, जैसे आप उससे बात कर रहे हैं वो बड़ा होकर आपसे ऐसी बात करेगा, मेरे को आप जनाब से बात करना पड़ रहा है उससे, मतलब ना बच्चों को इतना समझ में आने लगा। और सच्ची में मेरे मैच में देखा मैं आप जनाब से बात कर रही हूँ मेरे बच्चे के लिए, दुआ करो अच्छी दुआ करो मेरे बच्चे के लिए कि उसकी नसीब अल्लाह बहुत, ये सारी चीजों को इसका हाथ लगा दे सीधा हाथ, सब एक एक चीज उठा उसको लगा दे, सब बच्चे उसका सब चीज को लगाना चाहिए इसका हाथ। एक हिसाब का ना ये सबका ही होता है।
पहली बार पाउडर लगने वाला है। अच्छा तो अभी तक पाउडर भी नहीं लगा। अरे बच्चों को निहार रखी मैंने अब तक कुछ भी नहीं। हां हां के लिए जैसे डाल लेते हैं। सब जो भी गायब कर दे रख 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 ऊपर का ऐसा नहीं भजन ये सब। हाँ अच्छा अच्छा कटोरी लेके हार्श लगेगा। एक कटोरी लेके आ जरा जीनी। हाँ नया रूमाल है ना। भाई देख तो फुल मजे ले रहा है बैठे बैठे। चल नए रुमाल से पाउडर पहली बार लगने वाला है मेरे बच्चे को। पाउडर लगाना उसके बाद फूक 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 पहले फूक ठंडा होने दे आराम से। सीधे हाथ में बिस्मिल्लाह बोल पहले। बिस्मिल्लाह बोल के लगा। यही 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 सीधी सी नहीं वो सीधा बराबर बराबर इधर लगा ने भी दिया हमें उसने खाजे लगा 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 तू लगा इधर सभी लगाओ थोड़ा सा। रुको उसको लगा दो ना आंख में पूरा अच्छे से। क्या सोने भी नहीं दे रहे लोग। देख तेरे को जो करने नहीं मैं उसमें के डब्बे मिल गया था मौका। अभी हाथ में ना हाथ में पैर में दोनों हाथ में और दोनों तलवे में पैर के भी तलवे अभी भर ले रुमाल टोपी हटा दो अभी हटा दो बाल अच्छे हैं माशाल्लाह। इसमें बना के रखो हम काजल। इसको चम्मच को ऐसा करना कि ये जब तक दिया जल रहा है काजल बन के रेडी हो जाए। ज्यादा काजल मुझे मोहम्मद आजम बहुत अच्छी बहुत अच्छी बहुत अच्छी माँ बाप का यार तुम बीमारियों से दूर अच्छा बच्चा बन के रहे हमेशा दुनिया की अभी उसको मार का सीन था ना कुछ तो वो तो भूल गई ये तो भाग गई। मैं ना तुमको लूटने वाली थी लेकिन तुम बच गए। नहीं चलेगा मैं तो दो मुक्का मार के 500 रुपए दे दूंगा मैं। अरे मैं कुछ चलेगा मैं दो मुक्का मार के 500 दे दूंगा मैं। देखो पकड़ देता तेरे को सब नहीं बोले झूठ जोर से चीनी को छट्टी में दे मैं वही मैं चीनी को तो छट्टी में चीनी ने तो छिले भी ली। थैंक यू मैं जाके तब इसको लेती हूँ छट्टी में छोड़ दे। मैंने छट्टी में ली फिर बाद में 400 में ली मैं नहीं ली छट्टी में 2000 तब भी 2000 बाद में ली। माँ घर में थी माँ को पता नहीं है भाई दिया था ना दिया था ऑनलाइन मारा चल रहा क्या बात है। बच्ची बच्ची को तरबियत अच्छी देना नसीब अच्छे करे अच्छी करे फरमा बरदार बने। मेन मोटिव यही रहता है दुआ मिल जाती है ऐसी बाहर नहीं बच्चे को। चलो यहाँ पे आ गया पार्टी टाइम। इट्स पार्टी टाइम। क्या क्या आया भाई कोल्ड ड्रिंक भी अंदर कोल्ड ड्रिंक भी है।
पार्टी ये जीनी ने मंगाई है पार्टी जीनी की तरफ तो जीनी की तरफ से पार्टी है नहीं आजम की तरफ से पार्टी है मैंने गिफ्ट दिया अच्छा आजम की तरफ से पार्टी है बुलाओ सबको बुलाओ अंदर आजम को पैसा दिए और आजम के तरफ से ये सबको पार्टी है अच्छा देखो सब मेहमान आजम के बुलाने पे है आजम की तरफ से छोटे यूट्यूबर ने हमको पार्टी दिया है भैया अब तो हम खाएंगे खाओ खाओ आजम की पहली पार्टी बुलाओ ना सबको बुलाओ ना नए कपड़े हटा लू गए यहाँ से चटनी वटनी लग जाएगी रियाज ये वाले कपड़े ऊपर डाल दे नहीं तो गंदे हो जाएंगे कुछ भी लग जाएगा ये पार्टी कौन दिया है ये पार्टी दिया है आजम ने पहले पैसे अरे मेरे बच्चे का नाम जरा जोर से सब बोलो मेरे बच्चे का नाम क्या है आजम पूरा नाम मोहम्मद आजम हाँ बेटे का नाम है आजम मोहम्मद आजम मोहम्मद आजम हाँ ये क्या नाम है मोहम्मद आजम भाई हाँ क्या नाम है मोहम्मद आजम हाँ मैं क्या नाम है मोहम्मद आजम हाँ मोहम्मद आजम ओ आजम के अब्बा अभी बाबू भी उस बार बोलती हाँ ले ले उस बार बोलती अम्मी इनको क्यों बाबू बोलते बाबू तो छोटे बच्चे को बोला जाता ना वो क्यों बोली पता है क्योंकि कल ना उसके मुंह से दो बार है ना बच्चे के लिए ओ मेरा बाबू क्यों रो रहा है तो मैं बोली मेरे बाबू ने डायपर पहना मैं भी उसको जब नाम नहीं रखे थे बाबू को करके फिर बोली थी अरे भाई बहन को तो इसके लिए मैं बोली आजम के अब्बा ओ आजम के अब्बा चलो पार्टी में उसका चेहरा तबरेज का चेहरा मैं हाइड नहीं कर पाती हूँ फिर वो दिख जाता है चलो चलो तबरेज की अम्मी आजम की मामी चलो अभी ये मेरे लिए बन जान दे मैं पीऊंगी हाँ चलो चलो आजा ए चलो चलो ना तो कंटिन्यू करना तुम वीडियो में दिख ही नहीं गया है ना इसके लिए एंजॉय एंजॉय में लेता हूँ खाओ 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 चलो स्टार्ट करो चलो मैं जाके वहाँ बैठ रही हूँ शेर उठा पीस यार तुम लोग क्यों वेट कर रहे किसका वेट कर रहे अच्छा अरे क्लियर ही नहीं हो रहा और आ जाओ फटाफट मेरे तो क्लियर नहीं दिख रहा इसमें हम लोग खा लिए हम लोग की पार्टी हो गई तो मस्त वाली मजबूत मजेदार और अम्मी अभी रुको यहाँ पर छट्टी एट्टी हो गई है ना हाँ। तो पता है डॉक्टर साहब के ना बहुत अच्छे अच्छे कपड़े आए थे ठीक हाँ। है लेकिन और बहुत सारे और भी कब आए थे हाँ। मान के मेरा ऑलरेडी ब्लॉग बन गया था ना हाँ। जिसमें मैंने क्लियरली मेंशन किया कि एक साल से ज्यादा के कपड़े आ गए अब और कपड़े कितने लेकिन है ना फिर भी मुझे ना डॉक्टर साहब के कपड़े ना बहुत पसंद आए थे कुछ कपड़े ना अलग रखा था क्योंकि मैंने ना उसमें सेग्रीगेट कर दिया था कि कुछ ये अपना तबरेज के लिए रहेगा कुछ आपा के पापा के लिए बच्चे के लिए रहेगा पता था कि लड़का होने वाला है देख लड़का होगा लड़की नहीं ये कपड़े ना कॉमन है इसमें जो जंपसूट है ना ये वाला ये एक्चुअली ना सही बोलूं ना ये पांच नंबर पे नहीं मिला मैंने ढूंढा नहीं, नहीं ऐसे कपड़े मिलेंगे भी नहीं पास तो ये वाला ना मैंने ना इसमें से आधे आधे कपड़े आधे भी नहीं बोलूंगा थोड़े ठीक है अपने आजम भाई के लिए वो चाहता है कि मतलब पापा भी पहने ये कपड़े थोड़े पापा भी पहने अभी एक ऐसा सिंपल थोड़ा पहनेंगे तो जुड़वा वाली फीलिंग आएगी ना भाई ये वाला देखा बहुत मस्त कपड़े थोड़े बड़े बड़े ना इधर ना ये फैब्रिक यहाँ नहीं है स्ट्रेचेबल ये फैब्रिक हम लोग को ढूंढेंगे भी तो यहाँ नहीं मिलेगा ये भी जंपसूट है तो पूरा जंपसूट हूँ मालूम पॉपाई का बेटा रहता है कार्टून बचपन में पॉपाई का बेटा रहता है जो यही पहन के घूमते रहता है इसका भी कपड़ा देख फैब्रिक देख ठीक है समझ गई ना ये पहनाऊंगी माशाल्लाह ये मस्त लग रहा है सभी अच्छे
ऐसे में कहना उस्माने ऐसी क्वालिटी के नहीं ऐसे में कहा उस्मान ऐसी लाए थे वो सुबी ने लाइक आर मुझे गिफ्ट की थी। चलो सही है सेम उम्र में ये वाला तो अभी आ जाएगा ये वाला अभी मैं क्या बोल रहा हूँ थोड़े टीम में। हाँ मेरे को ना तबरेज और इसको साथ में रख के फोटो खिंचाने का और अब्बा को बताने तो लेना अभी लेकिन सो रहा है साथ में रख के फोटो खिंचाना और मेरे को दिखा ठीक है। अब मैं उसको ना फीड कराती हूँ फिर वो उठेगा ना तो आग खुली रहेगी ना तो अच्छा लगेगा। अभी आग बंद देना तो चलो तुम लगे ना जब तक ये प्रोसीजर करना मैं रियाज को लेकर निकलती ठीक है। अब्बा को चाय पानी तू बैठ अभी नूर के साथ क्योंकि अभी ना चाय पानी देना है ना। अभी देखो 8:30 बज गया है उनके पास से आए हैं हम सबके सब आ गए। अगर एक जन घर में रहता ना तो मैं और रुकती थी लेकिन रुकते नहीं रुकते वो अलग बात है। अम्मी का ना एक सीन बताता हूँ तुम लोगों को ठीक है। अम्मी को ट्रैवल करने का रहता है ट्रैवल भले से घर से कहीं जाने का या फिर कहीं से घर पे आने का अम्मी को वो लास्ट के जो 5 मिनट रहता ना ऐसी अम्मी का हर जगह का प्रोसेस मैं अम्मी को हर बार बोलता हूँ कहीं पे भी जाने ना ठीक है जाओ टाइम अच्छे से रहे तो आखिर में 5 मिनट में घाई क्यों कर ही देते हो यहाँ से। अभी आपके आने के टाइम भी कर रहे थे अभी यहाँ से जाने के टाइम भी करेगी उसमें क्या होता है एक आध सामान मिस हो जाता है एक आध चीजें छूट जाती है फिर घर पे जाएगा अरे यार वो अरे ध्यान से लेती हूँ हर चीज करने की कोशिश करती हूँ। ये हैबिट है अम्मी की ऐसा फिर सामने वाला डर भी जाता है। अभी मेरा क्या होता है देखो अभी अम्मी ना 4-5 घंटे से यहाँ पे जरा भी खाई नहीं गई सब अच्छे से हुआ उसमें बीच में टाइम पास भी हुआ बहुत बहुत टाइम पास वो क्यों माशाल्लाह से सोया वो भी बता दो ना क्योंकि रात को माँ को थोड़ी सी पौने 4 से ऐसी बैठी ना वॉशरूम गई ना उसको गोद से उठाई बस ऐसे कभी कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे कितने। अच्छा, एक सजेशन आपा तू एसी वाले रूम में रख रही है उसको लेकिन फिर भी ना ज्यादा कूलिंग मत नहीं तो ऐसा नहीं कौन सी डबरी हाँ अभी 5 घंटे से लेकिन अभी 5 मिनट अरे अभी भी बैठे अभी जरा उठोगे चलेगा उसपे जो बात कुछ आखिर में करने वाली रहती है ना अम्मी से इंडिया की फीलिंग है ना ऐसी रहती है ना कि लोग है ना मियां बीवी साथ में निकलने वाले लोग नहीं नहीं मैं अपना बता रही कैसा रहता है शेयर करने का भी रहता है हमारे मियां का हमको फिकर रहता है हमारे मियां अकेले रहते हैं हमारे मियां हमारे साथ में लटके हुए रहते हैं तो हमारी फीलिंग रहती है जो कि बिना चाय बिना पानी के वो आदमी बिना दवा के वहाँ बैठा है तो इसके लिए हमारी फीलिंग अलग है इन लोग दोनों की ना फीलिंग अलग है। ये नए जनरेशन है ना समझ में आता तुम नहीं घर से घाई करने की एक फीलिंग ऐसी रहती है ना कि जितना जल्दी निकलेंगे उतना जल्दी घर पे वापस आएंगे तो चाय तो पी लो अभी तो नहीं अभी ठंडा पी लेना बात बता मेरे को चाय जाके अपना एक क्वेश्चन अभी से आज तक के आपा के घर से तुम घर पर टाइम पे गए कभी घर कभी आपा के घर से अपने घर पे टाइम पे दो टाइम सोचे कभी गए घर पे बहुत बार गई छिल्ले में भी आधा छिल्ला छोड़ के खाना छोड़ के गई ना कितने बार खाना छोड़ के गई थाली पे से उठ के गई मेरा मूड खराब हो जाए चलता है हां नहीं सीधी बात नहीं मैं शुरू मेरा मूड खराब हो जाए चलेगा मेरी बच्ची का बर्थडे में आखिर में मेरा मूड खराब हो जाएगा चौथे बर्थडे में अभी वो जाने देना फिर बाय 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 जीनियर नूर को छोड़ के चलेगा बोले तुम लोग को जब आने का जो मैं जा रही मेरा मेरा मूड खराब हो गया था खाने पे बोलते नहीं पे मेरा पति मेरा देवता समझ सकते हैं क्या नहीं मेरी बीवी ठीक है चलो बाय चलो मैं चाहती मेरी बेटी और मेरी बहू भी इसी तरीके से रहे जैसा मैं मेरे हस्बैंड के साथ अभी देखो मैं ऐसी भाग भाग के आऊंगी तुम भी देखो मेरा पति अच्छा यार चल तू रुक मैं इसको उठाती हूँ ऑलरेडी लास्ट लास्ट ना वो डाल के खत्म कर अच्छा ठीक है मैं इसको है ना इसको चलेगा जरूरी नहीं उठाएगा चलो अब मजा आ गया आज का दिन बहुत अच्छा था फंक्शन भी बहुत अच्छा था सबसे लास्ट में बेस्ट पिज्जा अच्छा था शूट कौन किया बताओ शूट कौन किया हम लोग जब बाहर गए थे बुक पेन जो भी लाने शूट कौन कर रहा था हॉल छोड़ के हिला नहीं बेडरूम तक के नहीं आया सोफा छोड़ के हिला इतनी में था मैं था कैमरा में हैंडल किया पिज्जा मैं खाया चल मेरे बच्चे को देख लेते हट गए सबसे बड़ा मेन रोल अदा किया उसने वरना खत्म कैसे होता था आप लोग हारे तो क्या ऐसा क्या बोलते हैं देखो आने की खुशी अलग होता है लेकिन वो खत्म करने का टेंशन अलग होता है तो ग्रुप में कोई चाहिए ना कि हाँ भाई है तो खत्म हो जाएगा देखिए क्या नाम है तेरे भांजे का आजम भाई याद दिलाना पड़ेगा कि नाम क्या है ना ऐसा हाँ अम्मी हाँ निकाल दो ना क्या क्या निकालने का उसमें से निकाल दो
ये बच की काढ़ी और जायफल, इससे ना तू ना नजर भी उतार सकती है। ये सब ये बॉटल तेल की निकालने का ना। हाँ, ये बच्चे की मालिश का और बाकी ये सब दे देना। अच्छा, बुक पेन सब। हाँ, ये बुक पेन भी दे देना, ये पैसे सब दे देना। ठीक है, इसको ना थोड़ा सा सहला देना या फिर कहीं ठंडा करना, झाड़ वाड़ के पास बकरी या कोई खा ले। ठीक है, चलो चलती हूँ मैं। अम्मी थैंक यू, थैंक यू अल्लाह हाफिज़ इतना टाइम देने के लिए। मेरी अम्मी ने इतना टाइम दिया यार, बहुत होता है इतना टाइम। नहीं, टाइम देने के लिए थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, मैं तो और ज्यादा टाइम देना चाहती हूँ, लेकिन कैसे ना मेरा बंटवारा हो जाता है। सबको एक साथ खुश रखना ना बहुत भारी हो जाता है। तीन तारीख को मैं जा रही हूँ औरंगाबाद को। मैंने अभी डिसाइड करी कि चलो अभी अल्लाह के करम से सब सही हो गया तो दो दिन उसको भी देके आ जाते हैं। तो मैं यहाँ हूँ जब तक के तू बोल। हाँ, ऐसे आने के बाद हम लोग 7 तारीख को रिटर्न आ जाएंगे। यही बोलूंगी। अच्छा, तो तू मैं क्या बोल रही हूँ कि मैं गांव जा रही हूँ तो मैं उस्मा को लेके जाऊँ? नहीं पूरी फैमिली जा रही है हमारी। अब्बा भी मेरी बेटी मेरे बिना नहीं जाएगी। बताओ, अब्बा का ही प्लान है जिसके वजह से हम लोग सब इन। हाँ, तो हम लोग का तो ऑलमोस्ट कैंसिल हो चुका है। सलीम की बच्ची की शादी है। काम करो ना, मेरे बाबू और मेरे उस्मा को लेकर तो भेज ना बाबू को, मैं तो मना कर रहा हूं। आपको छुट्टी तो मिलना चाहिए। तू चलेंगे मुझे? नहीं चलेंगे मुझे। वो ऐसे कल से काम पे जा रहा है। कल से तो काम पे जा रहे हैं। यहां रहेंगे, कॉल पे आ जाएंगे। एक वाली बात है, आपा कुछ भी हुआ हॉस्पिटल जाने का है, 10 दिन के बाद तेरे को वापस रावण बुला ले। बच्चे को कुछ हुआ तो उस्मा को भेज दे। उस्मा को समझ में आता है। बात भरोसे की नहीं है। मैं खुद नहीं गई, आप लोग मानोगे, मेरी शादी को 8 साल हो गया। मेरी शादी को 8 साल हो गया और 8 साल हो गया मुझे औरंगाबाद जाके। उस्मा खुश रहेगी उसके साथ में, गाँव जाने में। तो गाइस, अभी सब लोग जा रहे हैं, मेरा भाई भी जा रहा है, मेरी भाभी भी जा रहे हैं, अम्मी लोग चले जा चुकी है। कैसा लगा मजा आया? खड़ा है खड़ा आजम उज्मा। मैं तो नाम का इतना मतलब मैटर रखता ही नहीं, मेरे लिए तो नाम बोल देना। अरे मेरे को ये आमी नामी कर रही थी, मुझे लगा कि आमी ने ना यूसुफ के लिए पसंद करने के लिए नाम निकला था। अम्मी ने आज पूरा किस्सा बताया। हाँ, सुना है ना किस्सा वाले नजर का आमी का किस्सा है। दुआ में आमी नामी कर रहा था। खुशी रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि नाम रख दिया लेकिन खुश नहीं है बंदा, तो फिर मतलब क्या है?